हेलो एवरीवन, आई एम वृंदा चौहान। वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। सो आई एम हियर विद ए न्यू स्टाइलिंग वीडियो। सो राजपूती ड्रेस में मंगजी को मेन पार्ट से जोड़ने के लिए जिस पाइपिंग का यूज़ किया जाता है, इसे गुणा कहा जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने गोल्डन कलर के गुने का यूज़ किया है इस लहरिए वाले जोड़ में। सो आज हम बात कर रहे हैं पाइपिंग के कलर के सिलेक्शन के बारे में। आमतौर पर पाइपिंग का यूज़, कलरफुल पाइपिंग का यूज़ प्रिंटेड राजपूती सूट में किया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पाइपिंग का कलर पूरी ड्रेस की बूटी में से किसी कलर में मैच होता मिलेगा या फिर गोल्डन या सिल्वर कलर का मिलेगा। वीडियो में आप देख रहे हैं, मैजेंटा कलर की पाइपिंग का यूज़ किया है जो ड्रेस के प्रिंट से मैच करता है। सो मेनली तो आप सूट के किसी भी बूटी में कलर मैच करके गुने का चयन कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलर ब्लॉकिंग स्टाइल। गुने के कलर को बेस कलर से ना मैच करके या फिर बूटियों से मैच ना करके एक थर्ड कलर को इंक्लूड कर दिया जाता है। इस कलर को आप ओढ़ने के शेड्स में भी डाई करवा सकते हैं, जिससे ये पूरी ड्रेस के साथ एक मैचिंग बना लेता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, राजपूती ड्रेसेस में, सूट में या पोशाक में गुने की एक अपनी अलग भूमिका होती है। अगर आपका गुना एक समान पूरी ड्रेस में ना निकला हो तो वो आपकी सुंदर से सुंदर ड्रेस को भी एक चीप लुक दे सकता है। सो स्टिचिंग एंड गुने की फिनिशिंग आपके लुक में चार चांद लगा सकती हैं। सो ये थे मेरे कुछ सिंपल से टिप्स जो आपकी राजपूती ड्रेस में सादगी भरा नया इफेक्ट लाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप कैसे वीडियोस और देखना पसंद करेंगे।